चलो थोड़ा सा घूमने चलते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं लेक गार्डन्स पे। लेक गार्डन्स पे एक पार्क है, चिल्ड्रंस पार्क, लायन सफारी पार्क। पहले बहुत ज़्यादा था मैं, पर आज फिर से जा रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 5 साल बाद। पहले मैं उधर पे स्विमिंग करने भी जाता था। तो चल अभी चलते हैं। मैंने सोचा था पहले वो टाइट कपड़ा पहनूँ जो मैं पहले पहनता था, क्योंकि लूज पैंट है, पर फिर मैंने सोचा पम कवर ही पहन लेते ताकि जब मैं इसको खोलूँ तो बिल्कुल सब मेरा बॉडी देख के बेहोश हो जाए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। मेरे पास कोई माइक नहीं है, एक माइक खरीदना पड़ेगा, पर वो बाद में खरीदूंगा। तो साउंड अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो माइंड मत करना। मैंने सोचा था कि आज उतना लोग नहीं होगा, पर काफ़ी सारे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं इधर पे। मैंने सोचा था मेरे जैसे फेल्ला कोई नहीं है, पर बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही फेल्ला घूमते फिरते हैं। बहुत ही सुहाना वेदर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये सब। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा बाद में आना चाहिए था, क्योंकि अभी भी धूप है और मुझे धूप बिल्कुल नहीं पसंद। तो इधर पे मैं पहले स्विमिंग करने आता था, इधर पे इसके अंदर जाके बिल्कुल स्विमिंग करने आता था। मैं सोच रहा हूँ इसी साल फिर से ज्वाइन कर लूँ एक बार, पता नहीं कैसा होगा, पर मुझे पहले स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरा सेप भी हो जाएगा, थोड़ा सा फैट लॉस भी हो जाएगा। पहले इस जगह पर मैं रनिंग करता था, बिल्कुल स्विमिंग से निकल के अपने दोस्तों के साथ इधर से उधर तक रनिंग करता था, बहुत अच्छा लगता था। पहले स्कूल के टाइम पे सब लोग इधर पे आते थे अपने गर्लफ्रेंड के साथ, इधर उधर झाड़ी में फाड़ी में घुस जाते थे चुम्मा चाटी करने के लिए। मैं हमेशा से इधर पे आता था वर्कआउट करने के लिए। वाओ फाउंटेन, वंडरफुल प्लेस, जो अच्छा लग रहा है मुझे इधर पे आके। मेरे को एक चीज़ पता चला इधर पे आके कि गिमिल में आप बैक कैमरा से खुद को नहीं शूट कर सकते। ये बहुत अजीब चीज़ है, इधर से घुस जाओ क्या। आई थिंक इधर पे एक छोटा सा पार्क है। दिस प्लेस इज काइंड ऑफ नाइस। प्यार करने वाले लोग ही ज्यादा आते हैं इधर से। फाइनली वी कैन डू सम काइंड ऑफ वर्कआउट इन हियर। एक बार इधर पे मेरे को चोट लगा था कमर पे, जिसकी वजह से मेरे को ऑपरेशन करना पड़ा था। इट्स टाइम टू टेक माय शर्ट ऑफ। तो पहले ही थोड़ा सा पुल अप से स्टार्ट करते हैं इधर पे, थोड़ा सा वार्म अप वगैरह अच्छा से। मैं अच्छा से रेप देता रहता हूँ, ऑलमोस्ट 25-30 रेप्स इधर पे मैंने निकाले, पता नहीं याद भी नहीं, मेरे काउंट लॉस हो गया। उसके बाद भी मैंने कुछ कुछ पुलअप्स करे। Some good 30 pull-ups. We're gonna move on to the dips and then see how many can I do. ऑलरेडी फ्रीकिंग गेस्ट आउट, पैंट लूज होते जा रहा है मेरा। Along the way, melodies we haven't played.
जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा एक्सरसाइज ऑलरेडी कर लिया, पुल अप 30-40, पुश अप्स लाइक 3 सेट, डिप्स लाइक 50 एंड द पम्प इज लाइक इनसेन। आई थिंक और जॉब है, हम लोग के घर पे काम हो गया, अभी हम जाएंगे दूसरी जगह एक्सप्लोर करने। दैट इज अ गुड वर्कर, दिस चेस्ट इज अ मोस्ट अच्छा वर्कआउट था, चेस्ट सबसे ज़्यादा पंप हुआ। तो फाइनली हम लोगों का वर्कआउट ख़त्म हुआ, सोचा था एक दूसरे पार्क पे जाऊंगा पर टाइम ही नहीं मिला, यही करते करते बिल्कुल शाम हो गया। अभी क्या ही कर सकते हैं, बाहर निकलते हैं उसके बाद थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं, देखते हैं बाकी इधर पे क्या क्या है। शाम हो चुका था, ज़्यादा कुछ नहीं देख पाऊँगा। अच्छा होता अगर पीछे के कैमरा से शूट कर सकते, पर इस हिंगल को घुमाऊँ कैसे मैं, इसके लिए तो एक मोनोपॉडी और ट्राईपॉडी चाहिए होगा। दिस इज गुड, आई डोंट, अच्छा है, और अगर हम पीछे घुमा सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों हाथ जाम है, इस हाथ पे ये है, इस हाथ पे ये है। बहुत दिन बाद मैं शर्ट से ऐसे वॉक कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इतना मेहनत से बॉडी बनाया है, क्यों नहीं दिखा। इधर पे काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्रीज हैं, बहुत सारे लोग इधर पे मॉर्निंग वॉक वगैरह करते रहते हैं, आज फिर भी कम लोग हैं। पता नहीं मैं उतना अच्छा व्लॉग बना तो नहीं सकता, पर फिर भी इतना सुहाना मौसम शायद ही किसी को देखने मिल सकता है कोलकाता में, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। अंदर जाएंगे, सवारी पार्क के अंदर जाएंगे, पर पहले मेरे को शर्ट पहनना बहुत ज़रूरी है।
वी आर ऑल सेट। घंटी बज गया तो कुछ नहीं कर सकते, अभी बहुत लेट हो गया। प्रॉबेबली नेक्स्ट डे, ये व्लॉग नेक्स्ट डे के लिए बचा के रखा। बहुत सारा कुछ है, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह सब कुछ करेंगे, ट्राई करेंगे। और देख ही सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू एवरीथिंग व्हाट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू डू।